बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल तबीयत ख़राब थी तो जो रेसिपीज़ थी जो परसों आपको बताया था कि चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया है ब्रोस्ट बनाने के लिए, तो कल मैं एडिट नहीं कर सकी, वॉइस ओवर नहीं दे सकी। तो आज ही मैं सोचा चले आज वॉइस ओवर देती हूँ और डाल देती हूँ। तो ये मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था ओवर नाइट, उसके बाद अब मैंने इसको जो है ना स्टीम देनी है, यानी इसमें जितना मसाला है उस समेत कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना, और हमने इसको पैन में डाल देना है जब तक इसका ये सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। और माशाल्लाह बहुत मज़े का चिकन यहीं पे ही गल गया था। बस इसके बाद जो हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे शैलो फ्राई, वो सिर्फ हमने कलर देने के लिए करना है। बहुत ही मज़े का स्पाइसी, और ऐसा लगता था जैसे आप बाहर से खा रहे हो चरखा टाइप। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ब्रोस्ट बना था। ये सारा इसको मैं टर्न कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये इसको बहुत अच्छा कलर तो आ ही गया था, लेकिन जो है वो इसका सारा जो मसाला था वो सूख जाए, इसके साथ लग जाए, ये जो है वो इसकी मेन टिप है। ये सारा मसाला जो है वो ड्राई जब तक नहीं हो जाता आपने निकालना नहीं है, ठीक है? तो जब तक ये सारा मसाला ड्राई हुआ इसको ऑफ एंड ऑन आपने टर्न करते रहना। ये देखिए ये अभी से इतने मज़े का लग रहा है। बट हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया। आपको पता है कि हमें शैलो फ्राई करना है तो हमें ऑयल थोड़ा लेना पड़ता है, अगर हमें डीप फ्राई करना होता तो फिर हमें ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसको डीप फ्राई नहीं करना होता, उसको जस्ट कलर देना होता है, तो उसके लिए हम शैलो फ्राई करेंगे। और उसके लिए मैंने हाफ कप ऑयल लिया और थोड़ा थोड़ा तल करके मैंने इसमें ऐड किया, और देखिए इसको कलर आ गया और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब लाइव देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो कि पिक्चर में या वीडियो में आपको वैसा लग रहा होगा या नहीं जैसा कि एक्चुअल था। हल्का सा मैंने इसको कलर दिया और स्मोकी कलर इसको हल्का सा मैंने दिया, और ये हमारा रोस्ट जो है वो तैयार हो गया था। और उसके बाद जो थी वो मैंने सेकंड रेसिपी बनाई थी इसके साथ मटर पुलाव, और वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ सारे क्लिप्स जो मटर पुलाव के थे। तो ये था मेरा आज का बल्कि कल का व्लॉग जिसको मैंने एडिट नहीं किया, और अभी एडिट कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड तक मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे यहाँ पर इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।